अकोला में त्रिकोणीय मुकाबले में फंसे हैं अंबेडकर। बीजेपी ने सांसद के बेटे को दिया टिकट, कांग्रेस ने अभय पाटिल को। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज, ये न्यूज चैनल नहीं आपकी आवाज है। आवाज ऐसी जिसे ना कोई दबा सकता है ना झुका सकता है। हम करते हैं सबको खबरदार। अकोला लोकसभा चुनाव क्षेत्र इसलिए महत्वपूर्ण है कि यहां से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के पोते और वंचित बहुजन विकास अघाड़ी के प्रमुख प्रकाश अम्बेडकर चुनाव लड़ते हैं। यहां से अम्बेडकर ने 11 बार लोकसभा का चुनाव लड़ा और 2 बार जीतकर संसद में पहुंचे। हालांकि 2004 से लगातार बीजेपी जीतती आ रही है, इस बार भी त्रिकोणीय मुकाबला की संभावना है। इस बार भी प्रकाश अम्बेडकर वंचित बहुजन से कांग्रेस से डॉक्टर अभय काशीनाथ पाटिल और बीजेपी से सांसद के बेटे अनूप धोत्रे चुनाव मैदान में है। यहाँ हिंदी भाषी और मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका में है। अकोला जिला फूड प्रोसेसिंग के लिए जाना जाता है, साथ ही कभी इस क्षेत्र में दालों का इतना उत्पादन होता था कि पूरे देश को यहाँ से दाल सप्लाई की जाती थी, लेकिन दालों के घटते उत्पादन पर ध्यान नहीं दिया गया। सरकार और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की अपेक्षा के चलते फूड प्रोसेसिंग की कई सारे यूनिट धूल खा रही है। यहाँ पर सालों से एयरपोर्ट बनाने का काम चल रहा है, लेकिन पूरा होने का नाम नहीं ले रहा है। इससे उद्योगों का पलायन तेजी से हो रहा है, जिस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। कौन है किस पर भारी? इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व 1952 से 1982 तक कांग्रेस करती थी। इसके बाद 1989 से 1996 के चुनाव में बीजेपी के पांडुरंग फोडंकर जीतते रहे। 1998 और 1999 के लोकसभा चुनाव प्रकाश अम्बेडकर ने जीते। इसके बाद 2004 से बीजेपी की संजय धोत्रे लगातार जीतते रहे हैं। अब उनकी तबीयत उनका साथ नहीं दे रही है, इसलिए बीजेपी ने संजय के बेटे अनूप को टिकट दिया है। वंशवाद का विरोध करने वाले बीजेपी के सांसद पुत्र को उम्मीदवारी देना भारी पड़ सकता है। बीजेपी के लोग ही सवाल पूछ रहे हैं कि क्या दूसरा कोई उम्मीदवार नहीं था? अनूप की दावेदारी को मजबूत करने के लिए उनके नामांकन भरते समय खुद फडणवीस और विखे पाटिल उपस्थित थे। अनूप के चुनाव प्रचार के लिए योगी आदित्यनाथ की मांग की जा रही है। इसके अलावा बीजेपी के कई और नेता भी आने वाले हैं। इस बार किसे होगा फायदा? यहां करीब 1 लाख हिंदी भाषी और करीब 2.5 लाख मुस्लिम वोटर हैं जो निर्णायक भूमिका में हैं। कांग्रेस इस बार हिंदू उम्मीदवार उतारा है। वैसे वंचित का दावा है कि इस बार मुस्लिम उनके साथ हैं। अगर मुस्लिम वर्ग ने वंचित को बीजेपी की बीट ये माना तो मुस्लिम वोट अहम भूमिका निभाएंगे। यहाँ पर 6 लाख मराठा, 2 लाख बौद्ध और ओबीसी वोटर की भी तादाद काफी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं? एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सुहागी बाईपास।